थोड़ा वहां से दो तो माइक लगा ले था रोज करो तो लोग करता नहीं काम जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं चलिए ठीक है बाबू थोड़ा भूख दो फटा हुआ ध्यान सुनिएगा सभी लोग देखिए आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 13.2 में आप लोगों ने बोला सर तीन नंबर में प्रॉब्लम है देखिए ध्यान से सुनिए संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण उसमें से तीन संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है ध्यान देंगे बिना प्रतिस्थापित जो आप निकाल लेंगे फिर उसे डालना नहीं है तो फिर कह रहा है यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है कहने का मतलब तीन को निकाला गया बारी बारी से और यदि तीनों अच्छा निकला तब उस डिब्बे को बेचने के लिए बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं टोटल संतरा आपका 15 वो है और उसमें कह रहे हैं कि 12 अच्छा 12 जो है अच्छा है और 3 जो है वो खराब है ये आपका अच्छा है और 3 खराब है ये टोटल है तो ये आपका अच्छा है और ये क्या है खराब है के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे चलिए मान लीजिए जो पहला हम लोग निकाल रहे हैं संतरा जो अच्छा हो तो उसके लिए ये मान ले रहे हैं तो उसकी परीक्षा कितनी होगी तो उसकी परीक्षा जो एक निकालेंगे हम लोग इसमें से तो 12 तरह की घटनाएं 12 तरह की परिणाम आ सकता है यानी कि 12 बटा में टोटल 15 यदि हम एक निकाल लिए तो ध्यान दीजिएगा तो अच्छा कितना बचेगा अब 11 बचेगा और टोटल कितना बचेगा 14 एक निकल गया है उसको हम बी लेते हैं तो उसका परीक्षा कितना होगा 11/14 इसी तरह से जब तीसरा निकालेंगे तो पीसी बराबर आपका क्या होगा बोलिए अब एक फिर घटा लीजिए तो कितना बचा 10 इसको घटा कितना बचा 13 यानी कि 10/13 तो स्वीकृत का मतलब आप समझ रहे हैं क्या निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी बताया गया था कल आपको अब चलिए सबका वैल्यू रखिए 12/15 पी बी का 11/14 और इसका 10/13 इसी को हल कर लेना है बन जाएगा ना सभी को चलिए बना लीजिए अब आइए आप लोग का सवाल है 5 ध्यान देंगे 5 जो है उस पर गौर करेंगे एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से ध्यान दीजिएगा पहले नंबर तो आप हमें बताइए कि एस इज इक्वल टू क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़िए फिर कह रहा है कि इस पासे को उछाला गया तो ठीक है उछाला गया एस बराबर लिखा गया मान ले एक घटना संख्या सम है ए बराबर कह रहा है कि सम यानी 2, 4, 6 तो कह गो हुआ 3 गुना इसकी परीक्षा निकाल दीजिए तो पी ए बराबर 3 बटा टोटल 6 यानी कि 1/2 अब आगे बढ़िए इसके बाद में आपको B इज इक्वल टू दिया है B घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है लाल रंग से ध्यान दीजिएगा तो आप शुरू में ही पढ़े हैं कि एक पासे पर 1, 2, 3 लाल रंग से यानी कि लाल रंग वाला कौन है 1, 2, 3 इसकी परीक्षा निकाल दीजिए पी बी कितना होगा 3 है ना और टोटल 6 यानी कि 1/2 आगे बढ़िए क्या कह रहा है फिर कह रहा है को निरूपित करते हैं क्या ए और बी स्वतंत्र हैं
स्वतंत्र हैं बताना है, तो ध्यान दीजिएगा ए और बी स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र के लिए आपको कल पढ़ाया गया था कि आपको क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी चाहिए ना, तो ध्यान दीजिएगा कल बताया गया था आपको ई इंटरसेक्शन एफ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, बोलिए क्या होगा, दोनों में क्या मिल रहा है, दो ना, दो, सिर्फ दो मिल रहा है, तो इसका हम लोग इंटर प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो कितना होगा, ये वो घटना एक और बटा में टोटल छः। अब आपको मालूम है कि स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए इतना चाहिए। चलिए तो ये तो आपका दिखाई दे रहा है कि 1/6 है, हम यहाँ चलते हैं इधर आ जाते हैं क्या रहा है कि नहीं, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम RHS पी ए इंटू पी बी, पी ए का मान कितना है 1/2, पी बी का मान 1/2, 1/4 इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ना बराबर आप लोग है, यानी कि इज नॉट इक्वल टू LHS, so A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, ठीक है ना, यदि बराबर होता तो स्वतंत्र घटना होता, नहीं है तो नहीं है। चलिए बनाइए फटाफट, चलिए ना, चलिए ध्यान दीजिएगा 10 नंबर, पी ए और पी बी दिया हुआ है। अब यहां पर सुधारने के लिए हम क्यों बोले हैं, इस पर गौर कीजिएगा। देखिए पहले नंबर हमको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ताकि पी ए इंटरसेक्शन जो बी है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर आ जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब थोड़ा ध्यान दो, तो इसका मतलब ये 11th में पढ़ाया गया था 16 पार्ट में, तो देखिए इसका मतलब होता है ए डैश, या का मतलब यूनियन, और ये होता है बी डैश, अभी फिलहाल ही बताया गया था। अब चलो अब यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश 1/4, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया था 11th क्लास में पहला पार्ट में डी मॉर्गन लॉ, अब उसमें पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिए आप लोगों को पढ़ाया गया था ए डैश यूनियन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये डी मॉर्गन लॉ 11th क्लास का पहला पार्ट है, तो उसी जगह लिखा गया। अब आप हमें ही बताइए कि जब ये डैश है तो क्या होता है, 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यही चीज बात है, पीछे से ध्यान नहीं दोगे तो परेशानी होना ही है, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1, तो इसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन बी रहेगा प्लस में पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो 1 होगा ना, बोलो अब बोल ही नहीं रहा है, होगा ना, जैसे वो ए इंटरसेक्शन बी है और ए का डैश है, तो दोनों का 1 होता है प्रयिकता, तो अब इसीलिए हमने क्या किया कि हमको ये चाहिए, तो ये जब चाहोगे पी ए इंटरसेक्शन बी का डैश तो 1, इधर जाएगा क्या होगा 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए इसके जगह पर लिखा गया, क्लियर है। अब आगे बढ़िए 1, और ये जो प्लस इधर आएगा तो क्या होगा 1/4, आइए उधर जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको हल करोगे तो 3/4 आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आप लोग ध्यान देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू इतना आ गया, अब निकाल लीजिए आप पी ए इंटू पी बी, तो बोलो कितना है 1/2 × 7/12 7/24, देखिए तो ये और ये दोनों बराबर है, नहीं नहीं है, क्योंकि लिखाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसी पर सारा कहानी हो रहा है इस पार्ट में, कुछ नहीं है, तो देखिए दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, बराबर
इसका इंटरसेक्शन और ये दोनों का गुणनफल बराबर नहीं है, अतः क्या लिखाएगा? Hence, A and B are not independent events. चलिए बाबू लिख लीजिए, दस के ये तब ये नीचे लिखिएगा। पहला में दिया है ई निकाला गया पता हुकुम का हो, निकाला गया पता क्या हो? हुकुम का हो। तो निकाला गया जो पता है वो हुकुम का है, तो हुकुम का मतलब समझ रहे हो, इसको मालूम है हुकुम का मतलब? स्पेस मतलब कालापान। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसको हम यदि ई नाम दे ही दिया है तो पी ई, बोलो कालापान कै को होता है? 13 को। 13 को, बहुत अच्छा। तो 13 बटा में 52, 1/4। अब चलिए एफ क्या कह रहा है, इसमें निकाला गया पता इक्का है, निकाला गया पता क्या है? इक्का। तो बोलो इक्का कै को होता है टोटल में? 52 पत्ता में क्या कै को होता है? 13 13 को पता मान लो काला पान है, तो काला पान में कोई क्या रहता है? लाल पान में कोई क्या रहता है? फिर लाल ईटा में कोई क्या रहता है? फिर काला चिड़िया में कोई क्या रहता है? इनका क्या हुआ? इका चार गोई का। तो चार गोई का हुआ, यानी 4/52, तो 1/13। अब हमें ये बताइए, ये जो था काला पान था, ध्यान लीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, और ये जो चार गो था ये क्या था? इक्का था। तो इक्का बोलो कै गो है? 4 गो। कालापन कै गो है? 13 गो। अब आप हमें ये बताइए कि दोनों में इंटरसेक्शन में क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, कालापान में मात्र एक ही क्या होता है? कालापान में एक ही क्या होता है ना, बोलो। और ये चार को जो इका है ये पूरा इका लिया गया है, जो चार को इका है क्या है? पूरा इका लिया गया है। तो उस पूरे इके में चार को इका है, इसमें एक इका है, तो एक नहीं क्या इंटरसेक्शन होगा? इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में निष्ट एक मिलेगा, तो 1/ टोटल 52। अब आप क्या करेंगे, स्वतंत्र होने के लिए आपको ये और ये चाहिए, बोलो। तो ये तो मिल ही गया है, अब आप क्या करेंगे, पी ई इंटू पी एफ निकाल दीजिए, इसको देख लेंगे बराबर है कि नहीं। तो पी ई इंटू पी एफ, तो 1/4 मल्टीप्लाई पी का मान, पहले इसका मान है ना पी एफ, सॉरी यहाँ एफ है ना, 1/4 मल्टीप्लाई इसका हो गया 1/30। अब ये आपको हल करने पर 1/52, अब देखिए 1/52 किसके बराबर है? इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो जब बराबर आ गया अतः बोलो क्या लिखाएगा? हाँ, अतः ई और एफ क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। ई और एफ क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। चल इसी तरह से आपका 16, ध्यान देंगे 16 नंबर, 16 पर ध्यान दीजिएगा। एक छात्रावास में 15 का पहला है, ऐसे ही दूसरा तीसरा बनाना है, आपको कार्ड याद रहना चाहिए, कार्ड कितना क्या होता है बस। और नहीं यदि कार्ड याद होगा तो जाकर आज ताश खरीद लीजिए, 20 रुपया मिलता है, और उसमें अपना ताश में देख लीजिए कि कै गो क्या है होता है। यदि नहीं समझ में आता है तब भी तब आकर हमसे पूछ लीजिए। देखो एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, मेरे प्यारे ध्यान देना, पीएच बोलो क्या होगा? 60/100 हिंदी मान लीजिए, एच मान लीजिए उसको, और अंग्रेजी पीई क्या हो जाएगा? 40% कर रहा है, तो 40/100। आगे बढ़िए, 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब पी और दोनों का मतलब इंटरसेक्शन ना, एच इंटरसेक्शन ई बराबर 20% है 100/100। एक छात्रा को यदृक्षा चुना जाता है, अब कह रहा है इसमें ए नंबर सवाल, परीक्षा ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। आपको जो पहला निकालना है एच डैश इंटरसेक्शन
ई डैश दोनों बार नहीं पड़ती उसके लिए। तो पहला के लिए हम थोड़ा आपको हिंट दे दें कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए, अभी आपने दिमर्गन वहाँ से पढ़ा था, इसका उल्टा वाला आइए। तो यहाँ पर लिखा है पी एच यूनियन ई का डैश, दो को फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। दिमर्गन वहाँ से ए यूनियन रहेगा बी, चलिए ये जरूरी है ना, तीस समझा दे रहे हैं, ए यूनियन बी डैश, इसके लिए होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और यदि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश रहेगा तो इसका होता है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। देखिए आपको इसमें कौन सा काम है बोलिए, पहला दूसरा? पहला नहीं, ये पहला काम है, चलिए अच्छी बात है, ध्यान दे रहे। तो पहला काम है तो इसका मतलब जब हम कहेंगे नहीं तो कहेंगे दूसरा, वाह जो ध्यान दो। तो पहला वाला काम हो रहा है, देखिए इतना का प्रॉब्लम इतना हो गया ना, तो लिखा गया आई अब अभी आपको बताया गया पिछले सवाल में, यहाँ क्या लिखा है वन माइनस पी एच यूनियन ई। अब आगे बढ़िए, वन माइनस अब इसका फॉर्मूला देखिए, पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर क्या था ना, ध्यान दीजिएगा, पी ए यूनियन बी बराबर यहां लिख दे रहे हैं, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी बताया थे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बताएगा था ना। अब एच यूनियन ई है तो उसी आधार पर डाल देंगे, तो यहाँ क्या लिखाएगा पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए तीनों का मान है पी एच पी ई और पी एच इंटरसेक्शन ई बन जाएगा। अब आगे बढ़िए बी में, अब आगे बी में आइए, बी में सवाल है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, तो उसको अंग्रेजी उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। मतलब पी अंग्रेजी पर बात कर रहा 13.1 में हम लोग पढ़े थे, 13.1 में पढ़े थे, क्या बोलो याद है, जिस पर बात कर रहा था वो क्या होता था, सब प्रतिबंध यानी वो ऊपर होता था। तो इस पर बात कर रहा अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाला, मतलब ऊपर अंग्रेजी बाई एच बन जाएगा ना, इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा, पीई बाई एच इक्वल टू पीई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, याद है ना, इसका वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है, इसका ही वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, बन जाएगा। अब आइए सी, सी में मेरे प्यारे बच्चे दिया हुआ है यदि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए, उस पर जोर दिया जा रहा है, यानी क्या है वो, सब प्रतिबंध परीक्षा ज्ञात करना है। तो पहले अब क्या हो जाएगा, ऊपर में एच बाई ई बराबर वाट, पी एच बाई ई फॉर्मूला वही सेम होगा बोलो, अरे एच इंटरसेक्शन ई लिखो, एच इंटरसेक्शन ई अपॉन पी ई, अरे ई लिखो चाहे ई लिखो बात बराबर है ना, बात बराबर है, चलिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर है, एच इंटरसेक्शन ई का ही वैल्यू है और पी का भी वैल्यू है, बना लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 16, अब आइए 17 नंबर पर ध्यान देंगे। 17 नंबर में आपका दिया हुआ है यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो पासों का जोड़ा उछाला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एस बराबर जो होगा जोड़ा 1 2 3 4 5 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 जब आप क्रॉस निकालिएगा तो 1.1 1.2 इस तरह से डॉट 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 6.6 तक जाएगा, नंबर ऑफ जो आपका एस होगा वो कितना हो जाएगा बोलिए, 36 होता है ना, छठेगा 36। आगे बढ़िए, तो प्रत्येक पासे पर समभाज्य संख्या प्राप्त करने की, प्रत्येक पासे पर समभाज्य, तो समभाज्य में क्या होता है, दो, क्या होता है, दो, तो दो दो जो आएगा तो मात्र घटना कैगो होगा, एगो ना,
चलिए नंबर एक ही बात देखिए, पी और दोनों पर क्या कर रहा है, इवेन ना, पी इवेन नंबर, इवेन नंबर, तो उसमें घटनाएं मात्र घटेगी यदि उसको हम पी ए ले ले, यदि मान लो उसका नाम दे देते हैं ए, तो उसका घटना में क्या होगा बताओ, टू कॉमा टू, दोनों पर कर रहा है समभाज्य, तो दो समभाज्य होता है। अच्छा, तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो बोलिए ये घटना कै गो है, एगो एक का बटा में टोटल 36। अपना ऑप्शन देखिए कौन होगा, ऑप्शन में डी, ऑप्शन में डी आपका है 1/36 हो जाएगा। चलिए अब आइए एक और सवाल है, उसको समझ लीजिए। यहां पर आप मेरे प्यारे बच्चे लोग ध्यान देंगे, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्र। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आज बता दे रहे आपको, 18 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। आपको हमने बताया था आज वो नया बात और जान लीजिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग और भी लिख सकते हैं पी ए बी, यदि ऐसे भी लिखा रहे तो इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि जब पी ए और पी बी, जब ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए और पी बी का इंटू जो होगा वो क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, या फिर इसको लिख सकते हैं पी ए बी, लिख सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान देंगे यहां, तो पी ए इंटरसेक्शन बी को भी पी ए लिख सकते हैं। अब बताइए आप लोग, जब ए बी स्वतंत्र घटना हो गया तो उसका डैश भी क्या होगा, स्वतंत्र घटना होगा, तो ए डैश बी डैश भी क्या होगा, स्वतंत्र घटना होगा। इसी तरह से आप बताइए कि पी ए डैश इंटू पी बी डैश बराबर क्या लिखाएगा, तो पी ए डैश बी डैश लिख सकते हो, लिख सकते हो, इधर ध्यान दो, यही पर महत्वपूर्ण बात है। इसको प्लॉट देते हैं आपको, पी ए डैश बी डैश बराबर पी ए डैश की जगह पर बताओ क्या लिख सकते हो, 1 - PA लिख सकते हो, बोलो हाँ, इसके जगह पर 1 - PB लिख सकते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दो, पी ए डैश आपको मालूम है कि पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होता है, 1, इतना की जगह पर क्या होगा, पी ए डैश बराबर 1 - PA हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन देख लीजिए अपना, ये कहां पर है, चारों ऑप्शन अपना देख लीजिए, चारों ऑप्शन में देखिए बी में दिया है ना, पी ए डैश बी डैश बराबर 1 - PA 1 - PB, तो इस आधार पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये दो तरह से ऑप्शन दे सकता है, वहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ दिख ही रहा है नहीं, चलिए पहले आप लोग सभी लोग लिख लीजिए आपको पी ए इंटू पी बी, तो हम कहना ये चाह रहे हैं दूसरे तरह से भी ऑप्शन आपको दे सकता है, पी ए है तो यहाँ दे सकता है कि 1 - PA डैश नहीं हो सकता, बोलो सकते, यहाँ पर 1 - PB डैश, तो ऑप्शन में भुलवा कर देता है, तो ऐसा ही दिया रहेगा तो आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है। चलिए आप सही लोग बना लें।